भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर को आगामी एशिया कप में भिड़ंत होने वाली है, पर अब इस मैच पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व आईसीसी अध्यक्ष एहसान मानी को पाकिस्तान ने पीसीबी का नया अध्यक्ष घोषित किया है और अपना पद ग्रहण करते ही मानी ने बीसीसीआई के खिलाफ केस करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ 2014 और 15 में होने वाले सीरीज को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने दोनों मौकों पर सारी तैयारियां कर ली थी, परंतु सीरीज रद्द होने की वजह से पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्हें 70 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अब नवयुक्त पीसीबी अध्यक्ष मानी ने मांग की है कि या तो बीसीसीआई इस रकम की भरपाई करे या बीसीसीआई के खिलाफ केस करेंगे। वह इस रकम को हासिल करने के लिए किसी भी कोर्ट तक जाने को तैयार। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2008 के बम धमाकों के बाद से कोई भी टेस्ट नहीं खेला है और पाकिस्तान ने अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि इन दो देशों के बीच कोई सीरीज हो पाए। दरअसल इन दोनों देशों के बीच खेला गया कोई भी मैच किसी राष्ट्र त्योहार की तरह देखा जाता है और पाकिस्तान इसके दम पर अपने पीसीबी की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, परंतु भारत के मना करने से उन्हें और नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में मानी किसी भी हालत में इस रकम को वापस करने की कोशिश में है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत सीरीज खेलने को तैयार नहीं हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो इसका नुकसान उसे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी के नियमों के अनुसार भारत को बिना मैच खेले ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।